पिछले हफ्ते टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला पास अवे इन हिज स्लीप ड्यू टू अ मैसिव हार्ट अटैक। देश भर में उनके लाखों करोड़ों फैंस शॉक में हैं। और क्यों ना हो, सिद्धार्थ सिर्फ 40 साल के थे। बट डू यू नो दिस इज नॉट अ वन ऑफ केस। पिछले 10-15 सालों में यंग लोगों में हार्ट अटैक होने का रेट 2 गुना बढ़ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंस फॉरएवर हार्ट अटैक हैज बीन नोन एज अ डिजीज ऑफ द ओल्ड, राइट? लेकिन एक स्टडी के अकॉर्डिंग 40 साल से कम उम्र वाले लोगों में हार्ट अटैक होने का प्रोपोर्शन हर साल बढ़ रहा है, राइजिंग बाय 2% ईच ईयर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। नॉट जस्ट दैट, पिछले 2-3 सालों में तो 18-20 साल के लोगों तक में हार्ट अटैक के केसेस सुनने को मिले हैं। नाउ पीपल इन देयर 20s, 30s एंड 40s आर फॉलिंग विक्टिम टू कार्डियोवास्कुलर अटैक्स। और अपेरेंटली दूसरे देशों के लोगों के कंपैरिजन में वी इंडियंस टेंड टू गेट अ हार्ट डिजीज एट एन अर्लियर एज, ऑलमोस्ट 33% अर्लियर, और वो भी बिना किसी प्रायर वार्निंग के। यही नहीं, 50% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स इन इंडियन मेन 50 साल से कम उम्र के लोगों को हो रहे हैं, 25% 40 साल से कम उम्र के लोगों को हो रहे हैं। इंडियन वुमेन हैव हाई मोर्टेलिटी रेट्स फ्रॉम कार्डियक डिजीज एज वेल। ये तो हम सबको पता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज, एब्डोमिनल ओबेसिटी या हाई बीपी के इश्यूज रहे हों, तो देयर इज अ चांस दैट वन कुड ऑल्सो गेट इट। एज पर रिपोर्ट्स, मेनी ऑफ अस इंडियंस एनीवे हैव लो लेवल्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। बट फिर भी इतनी यंग एज में ऐसा होना साउंड्स क्वाइट अनयूजुअल, नहीं? डॉक्टर्स के हिसाब से इसके काफी कारण हैं, बट इट मेजरली ऑल रिवॉल्व्स अराउंड आवर लाइफस्टाइल। हम लोगों की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है इस पैंडेमिक के बाद, तो और भी ज्यादा। वी लीड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पूरे दिन अपनी स्क्रीन्स के आगे एक ही जगह बैठे रहते हैं। ऊपर से एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड, ऐसे लाइफस्टाइल की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे इश्यूज 20-30 साल के लोगों में देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रोजेक्शन के हिसाब से 50% पीपल हु डाई एट अ यंग एज विल डाई ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग द इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अमंग अस यंग पीपल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक्स सो अर्ली इन लाइफ। बेसिकली हमारे हार्ट की आर्टरीज एक स्मूथ कोटिंग से कवर्ड होती हैं, दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स। स्मोकिंग से क्या होता है, ये स्मूथ कोटिंग उखड़ जाती है, आर्टरी का सरफेस बिकम्स रफ। अब हमारे ब्लड को एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी में फर्क तो पता नहीं है, जैसे कभी कहीं चोट लगती है तो वहां ब्लड क्लॉट होकर वुंड को हील करने लगता है, वैसे ही स्मोकिंग की वजह से आर्टरीज में क्लॉटिंग होने लग जाती है, एंड दैट कुड लीड टू अ सडन हार्ट अटैक। ऐसा ड्रग और स्टेरॉइड अब्यूज से भी हो सकता है। इसके अलावा आज मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग थ्रू हाई मेंटल स्ट्रेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ्स, द हसल कल्चर कुड वेरी मच बी ब्लेम्ड फॉर दैट। एंड यू नो मेंटल हेल्थ का सीधा सीधा कनेक्शन है विद सडन डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते लेकिन बॉडी बनाने में फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। वैसे एक अच्छे दिखने वाली, वेल बिल्ड, डोले शोले वाली बॉडी इज नॉट अ मार्क ऑफ गुड हेल्थ। सिद्धार्थ जो हट्टे कट्टे नजर आते थे, रात के 3 बजे ही कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन एंड डिडंट वेक अप इन द मॉर्निंग। हाउ डिड ही एग्जैक्टली डाई, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, बट सो फार डॉक्टर्स सस्पेक्ट अ सडन कार्डियक अरेस्ट। वैसे आर सडन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक्स द सेम थिंग? नो, दे आर नॉट। The difference between a cardiac arrest and a heart attack is simple. A cardiac arrest means that the heart just stops suddenly, and that can be because of a variety of reasons. Certainly, you may have an irregular heart rhythm. The heart may be too slow or too fast. On the other hand, a heart attack, in the traditional sense, is a problem because of a blockage in the arteries, and that usually goes along with cholesterol buildup, fat buildup in the arteries. And then on top of that fat buildup, one can develop a blood clot that completely closes the artery. And when that artery closes, then the heart muscle that is receiving that blood is no longer receiving blood. Within minutes to hours, the patient will start having damage to the heart muscle. And that's a heart attack. And sometimes that heart attack can also lead to cardiac arrest. The only way to survive this severe heart condition is by knowing and understanding the symptoms. Kya hain ye silent symptoms of a cardiac arrest that one shouldn't ignore? Sometimes the first symptom of an abnormal heart rhythm is the cardiac arrest. So there's a problem there. In some cases, however, there is a warning. Patients have symptoms of irregular heartbeat. They may feel skipping of the heartbeat. They may feel rapid heartbeat. And sometimes if they are losing consciousness, patients who pass out suddenly, they're sitting in the chair and suddenly fall for no reason, but they wake up. And so in that situation, we have to bring the patient in and do a thorough evaluation. Make sure they don't have any abnormal heart rhythm. खुदा ना खास्ता आपके आसपास किसी में ये सिम्टम्स नजर आएं, तो उन्हें CPR दें। 30% लोगों की डेथ हार्ट अटैक के 1 घंटे के अंदर हो जाती है। ऐसे में जब तक मेडिकल हेल्थ नहीं आती, नॉलेज ऑफ CPR इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सो इफ यू सी एनीबडी हु हैज सडनली कोलैप्स्ड, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू फर्स्ट चेक देयर पल्स, एंड एवरीबडी शुड नो हाउ टू चेक अ पल्स। यू शुड चेक देयर पल्स इन द कैरोटिड आर्टरी। यू पुट योर फिंगर, टू फिंगर्स ऑन द कैरोटिड आर्टरी एंड यू फील इफ दे हैव अ पल्स। If there is no pulse, and that's a very critical time, because once you have a cardiac arrest, within about 8 to 10 minutes, the brain will suffer permanent damage. So in those 8 to 10 minutes, immediately take steps, do CPR, call for help, call the ambulance. Again, it is very important that we all know how to do CPR. Because of the COVID
pandemic, I think most people may be worried about doing the mouth-to-mouth resuscitation, which is very fair. You should at least do chest compressions about 100 times per minute. CPR should continue uninterrupted until help arrives. इसके अलावा फॉर प्रिवेंशन इट इज रिकमेंडेड दैट 20 से 40 साल की एज में हर 5 साल में अपना कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराने चाहिए टू चेक ऑन योर हार्ट्स हेल्थ। 40 के बाद हर साल कम से कम एक बार ये टेस्ट कराने चाहिए। दोज हु हैव अ फैमिली हिस्ट्री उनको तो मिड 30 से ही एनुअल चेकअप स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर रीडिंग्स एबनॉर्मल आए तो सीक डायटरी एडवाइस, लाइफस्टाइल में चेंज लाइए। वैसे जनरली भी डाइट में वेजीज और फ्रूट्स तो होने ही चाहिए। सॉल्ट और शुगर लेवल्स कम होने चाहिए। एक्सेसिव शुगर और सैचुरेटेड फैट से मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, एक्सेसिव सॉल्ट से बीपी बढ़ सकता है, दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स your heart. 30 to 45 minutes ki daily physical exercise at least 4 to 5 days a week is a must. Cycling, brisk walking, running, swimming, jo bhi pasand ho, they're all good for the heart. By the way, lifting excess weight in the gym, usse body mein bulk to aa jata hai, but wo heart par extra pressure dalta hai. So be careful. Baki, take a break from work. Family ke saath, doston ke saath time spend karo. Only TV, Netflix ya gaming doesn't really work too well as a break. Every day keep yourself away from your phone and internet for a while at least. Aur 7 se 8 ghante ki achhi neend sabse zyada zaruri hai. Doctors ke hisab se if you take care of these, then there's a good 95 to 98% chance ki aapko kuch nahi hoga. Tell me in the comments below, what do you do to keep your heart healthy? And like and share this video with as many people as possible.